बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, पुल सिरात पर से जब गुज़र होगा उस वक़्त सिर्फ तीन जगहें होंगी, जहन्नम, जन्नत और पुल सिरात। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती पुल सिरात को पार करेंगे। क़यामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पुल सिरात पर से गुज़रना होगा, वहाँ सिर्फ दो मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नम। जन्नत तक पहुँचने के लिए लाजमन जहन्नम के ऊपर से गुज़रना होगा। जहन्नम के ऊपर एक पुल नसब किया जाएगा, उसी का नाम पुल सिरात है। उस पर से गुज़रकर जब इस पार पहुँचेंगे, वहाँ जन्नत का दरवाज़ा होगा। वहाँ नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। पुल सिरात इन सिफात का हामिल होगा, बाल से ज़्यादा बारीक होगा, तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा, सख्त अंधेरे में होगा, उसके नीचे गहराइयों में जहन्नम भी नहायत तारीकी में होगी, सख्त बिफरी हुई और गज़बनाक होगी। गुनाहगार के गुनाह उस पर से गुज़रते वक़्त मुजस्सम उसके बीच पर होंगे। अगर उसके गुनाह ज़्यादा होंगे तो उसके बोझ से उसकी रफ़्तार हल्की हो जाएगी। अल्लाह पाक हमें उस सूरत से अपनी पनाह में रखे। जिस आदमी के गुनाह कम होंगे उसकी रफ़्तार पुल सिरात पर तेज़ होगी, उसके ऊपर आंकड़े लगे होंगे और नीचे कांटे बिछे होंगे जो कदमों को ज़ख्मी करके उससे मुतासर करेंगे। लोग अपनी बदआमालियों के लिहाज से उससे मुतासर होंगे। जिन लोगों की बेईमानी और बदआमालियों की वजह से उनके पैर फिसल कर वो जहन्नम के गड्ढे में गिर रहे होंगे, उनकी बुलंद चीखों पुकार से पुल सिरात पर दहशत तारी होगी। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पुल सिरात के दूसरी जानब जन्नत के दरवाज़े पर खड़े होंगे। जब हम पुल सिरात पर पहला कदम रखेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होंगे। आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पर दुरूद पढ़ें। लोग अपनी आँखों से अपने सामने बहुत से लोगों को पुल सिरात से गिरता हुआ देखेंगे, बहुत से लोगों को उससे निजात पाते देखेंगे। औलाद अपने वालिदैन को पुल सिरात पर देखेगी लेकिन उनकी बिल्कुल फिक्र नहीं करेगी। वहाँ तो बस एक ही फिक्र होगी कि किसी तरह खुद पार कर जाएं। रवायत में आता है कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़यामत को याद करके रोने लगी। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या बात है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मुझे क़यामत याद आ गई। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, क्या हम वहाँ पर अपने वालिदैन को, अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे? रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हम याद रखेंगे, लेकिन वहाँ तीन मुकाम ऐसे होंगे जहाँ कोई याद नहीं आएगा। जब किसी के आमाल तोले जाएंगे, जब नामा आमाल दिया जाएगा और जब पुल सिरात पर से गुज़र रहे होंगे। दुनियावी फितनों के मुकाबले में हक पर जमे रहो। दुनियावी फितने तो शराब हैं, उनके मुकाबले में हमें मुजाहदा करना चाहिए और हर एक को दूसरे की जन्नत हासिल करने पर मदद करनी चाहिए, जिसकी वसअत आसमानों और ज़मीनों से बड़ी है। अल्लाह पाक सब मुसलमानों को आखरत की फ़िक्र और तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।